हुड्डा के निवास पर कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए। फरीदाबाद के कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर फरीदाबाद के कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर इस दौरान खूब निशाना साधा। ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। फरीदाबाद के कई नेताओं ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस का हाथ थामा। दिल्ली स्थित उनके आवास पर इस वक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद थे। और चौधरी उदय भान जी ने आपको सारी बातें बताई। 2014 में जो हमारा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति निवेश में कानून व्यवस्था में नौकरी देने में पूरे देश में नंबर एक था, बीजेपी जेजेपी की सरकार में आज कहां से कहां पहुंच गए। आज हम किस चीज में नंबर एक है? बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था में ऊपर के उसमें ज्यादा अपराध बढ़ा हुआ है अपराध में। और जैसा उदय भान जी ने कहा, जो ये आपका प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, वो तय करता है कि कौन से प्रदेश में कितनी सुरक्षा लोगों की है। तो सबसे ज्यादा आज सुरक्षित कोई प्रदेश है पूरे देश में तो हरियाणा है। आज कोई सुरक्षा नहीं, आप देख रहे हैं रोज किस प्रकार से हो रहा है, चाहे बैंक लूटो चाहे करो। तो इस वास्ते बिल्कुल कांग्रेस जो हरियाणा बहुत तेजी से आगे जा रहा था हर उसमें, तो आज समय है सबको मिलकर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, अपने प्रदेश की तरक्की करनी है। तो मैं बहुत इस बात से मेरे को तीस भी है कि भी कहां से हम कहां पहुंच गए, हम वहीं पहुंचना चाहते हैं। और अकेला कोई नहीं पहुंचा सकता, आप सबके सहयोग से होगा। जो हमारे साथियों ने फैसला किया है कांग्रेस में शामिल होने के लिए, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी ने भी किया और उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनको उचित मान सम्मान इस पार्टी में मिलेगा, ताकि हम सब इकट्ठे होकर आगे